दोस्तों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पीजीडी इकोनॉमिक्स और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जारी कर दी गई है। इन दोनों कोर्सेज की तैयारी हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल, जिसका के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और हमारी वेबसाइट mahavidyaeconomicsschool.com के माध्यम से आप कर सकते हैं। आपको हमारे कोर्स में पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स और लाइव डाउट सेशन का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो के साथ हम आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, और इस वाली वीडियो में हम आपको 76 से लेके 100 तक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। दोस्तों अगर आपके पास समष्टि अर्थशास्त्र का कंसेप्चुअली मजबूती है, तभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि जब तक आपके पास में पूरी समष्टि अर्थशास्त्र की नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि आपको लगे कि सर ये क्वेश्चन का आंसर कैसे आया है। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी आपको वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और हमारे वेबसाइट mahavidyaeconomicsschool.com के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों जो कोर्स हम करा रहे हैं उसकी जो पीडीएफ नोट्स है, वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल ऑप्शन में मिल जाएगा। किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए हमने वीडियो बनाई हुई है, वो हम इस वीडियो में जोड़ के अपना टॉपिक स्टार्ट कराते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं आपको, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि किंज का रोजगार सिद्धांत बचत और विनियोग फलन को ब्याज दर से साथ क्या संबंध है। देखिए किंज का अगर हम बात करें बचत और निवेश की, तो केंज के हिसाब से बचत जो है, बचत जो है वो आय का फलन है, और उन्होंने निवेश को बोल दिया कि निवेश दो बातों पर निर्भर करता है, पहला पूंजी की सीमांत कुशलता पर और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। लेकिन उन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज नहीं होगा, तो मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिसाइड करती है कि कोई व्यक्ति कितना निवेश करेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 76 का जो बी आंसर है, सी आंसर है, वो बिल्कुल सही है, यानी कि केंज का रोजगार सिद्धांत बचत और विनियोग फलन को ब्याज की दर के सापेक्ष बेलोच मानकर चलता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन किया हुआ है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मौद्रिक एवं वास्तविक मजदूरी में संबंध होता है। अब देखिए मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में क्या संबंध है, इसको समझने की कोशिश करने के लिए, एक प्रतिष्ठित विचारधारा है हमारी, ये भी याद रखना, प्रतिष्ठित विचारधारा क्या बोलती है, बहुत ध्यान से हम समझेंगे। प्रतिष्ठित विचारधारा मान के चलती है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि वास्तविक मजदूरी क्या होती है और मौद्रिक मजदूरी क्या होती है। वास्तविक मजदूरी का मतलब होता है W/P, और मौद्रिक मजदूरी का मतलब होता है केवल मजदूरी W। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि अगर मौद्रिक मजदूरी बढ़ती है किसकी वजह से बढ़ती है, हमें यह नहीं पता, सिर्फ मौद्रिक मजदूरी बढ़ती है। तो यहां पर अगर हम ये मान लें कि कीमत स्थिर है, कीमत को हम क्या मान लेते हैं, स्थिर, हम ये मान के चल रहे हैं कि कीमत स्थिर है, क्योंकि इसमें कीमत के बारे में बोला नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे पास मौद्रिक मजदूरी 10 रुपए 100 रुपए है और कीमत स्तर 10 है, तो इस स्थिति में जो वास्तविक मजदूरी होगी वो 10 आएगी। अगर मौद्रिक मजदूरी 200 हो जाए और कीमत स्तर 10 ही रहे, तो इस स्थिति में जो वास्तविक मजदूरी है वो 20 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मौद्रिक मजदूरी के दुगुना होने पर वास्तविक मजदूरी भी दुगुना हो गई। इसका मतलब वास्तविक मजदूरी में और मौद्रिक मजदूरी में प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध है, यानी कि वास्तविक मजदूरी मौद्रिक मजदूरी यानी कि जो लेबर को पैसा दिया जा रहा है उसके बढ़ने से वास्तविक मजदूरी भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो इसका आंसर रहेगा 77 का ए, यानी कि प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 78 कह रहा है कि अल्पविकसित देशों में राजकोषीय नीति आर्थिक विकास की गति को तेज करने के में प्रभावी कार्य कर सकती है, यानी कि अल्पविकसित देशों को विकास करना है तो आपको राजकोषीय नीति का प्रयोग करना पड़ेगा। राजकोषीय नीति के बारे में जो ये विचार है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये हमें बताना है। इस अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया, मार्शल, स्मिथ, किंज और वाइजनर। मैं आपको बता देता हूं कि 1936 में द जनरल थ्योरी नाम की पुस्तक में बेसिकली मंदी से दूर करने के लिए जो किंज ने सुझाव दिए वो थे राजकोषीय नीति अपनाने के, यानी कि राजस्व, राज सरकार के महत्व को उन्होंने जोड़ दिया।
तो ये जो विचार है कि राजकोषीय नीति आर्थिक विकास में सहायक हो सकता है, वो किंज का विचार है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो 78 का आपको आंसर लिखना है बी। ठीक है जी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका आंसर क्या है, आप मेरे लिखने से पहले आप बताइएगा, जिससे कि आपको भी पता रहे कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो अब मैं आपको टाइम भी दूंगा। किंज का सिद्धांत, मुद्रा का मूल्य सिद्धांत, मुद्रा का मूल्य कैसे डिसाइड होता है किंज के हिसाब से, पहले हम वो समझते हैं। किंज के हिसाब से जो मुद्रा का मूल्य होता है, वो डिसाइड करने का काम करती है मुद्रा की मांग, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की मांग इस तरीके की होती है और मुद्रा की आपूर्ति इस तरीके की होती है, जो कि कंट्रोल होती है बाय दी आप कह सकते हो आरबीआई पॉलिसी या सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के द्वारा। तो किंज के सिद्धांत किस पर आधारित है, मुद्रा की पूर्ति पर, आय रोजगार और निवेश पर, उपयुक्त दोनों पर, उपयुक्त में से किसी पे भी नहीं। तो देखिए, आय रोजगार और निवेश में वृद्धि से मुद्रा की मांग प्रभावित होगी और मुद्रा की आपूर्ति करने पर भी मुद्रा का मूल्य प्रभावित होता है। तो इस हिसाब से ये दोनों पर ही आधारित है, यानी कि 79 का अगर आपको आंसर चूज करना हो तो 79 का सी क्वेश्चन आप चूज कर सकते हो, यानी कि इस स्थिति में जो मुद्रा की मांग है वो किस पर निर्भर करेगी, आय के स्तर पर और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और ये करेगी मुद्रा की मांग, मुद्रा की आपूर्ति पर। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना आंसर बता सकते हो 79 का 6C। 80 पर आ जाते हैं दोस्तों। 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 कह रहा है किंज के रोजगार सिद्धांत में उपभोग फलन है, क्या है उपभोग फलन, उपभोग किसका फलन है, मतलब उपभोग किसका फलन है। तो दोस्तों किंज का जो रोजगार सिद्धांत है उसमें उन्होंने बताया कि उपभोग जो है वो आय का फलन है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सी इज द फंक्शन ऑफ वाई। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दे सकते हो। अगला है किंज के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु क्या है, तो किंज के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु प्रभावपूर्ण मांग है। प्रभावपूर्ण मांग वो होती है जहां पर जो सामूहिक मांग है और सामूहिक पूर्ति दोनों बराबर है। तो किंज के रोजगार सिद्धांत में सामूहिक मांग को इस तरीके से उन्होंने बताया था, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इस तरीके से बनाते हैं, यह पूर्ण रोजगार का स्तर है। तो इस स्थिति को जहां पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति बराबर है, इसको बोलते हैं प्रभावपूर्ण मांग। यानी कि केंज का पूरा रोजगार सिद्धांत इस प्रभावपूर्ण मांग की व्याख्या करने पर ही आधारित है, या इसी की व्याख्या करता है कि किस तरीके से प्रभावपूर्ण मांग डिसाइड होती है। क्वेश्चन नंबर 82 पर आ जाते हैं दोस्तों। 82 कह रहा है कि किंज के द्वारा लंबित भुगतान प्रणाली, लंबित का मतलब हुआ कि आज पेमेंट ना करके फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, यानी कि आज का पेमेंट आज कर दोगे तो वो तो आप कह सकते हो तत्काल पेमेंट कर दिया। लंबित भुगतान प्रणाली का मतलब हुआ कि आज पेमेंट ना करके फ्यूचर में कर देंगे। तो किस स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है, देखिए जब एक अर्थव्यवस्था में लंबित भुगतान किया जाता है, यानी कि आप सामान खरीदोगे आज लेकिन पेमेंट करोगे बाद में, तो इस स्थिति को हम कहते हैं तेजी को नियंत्रण करना, तेजी की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब तेजी होगी तब सरकार लंबित भुगतान प्रणाली का प्रयोग करती है अपनी इस तेजी को कंट्रोल करने के लिए। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो मुद्रा स्फीति नियंत्रण इसका सही आंसर है, यानी कि 82 का ए आंसर आप लिखोगे। क्योंकि भैया जब आप लंबित भुगतान का मतलब है जब आप पोस्टपोन कर दोगे पेमेंट को, तो ट्रांजेक्शन की जो मात्रा है वो कमी देखने को मिलेगी। ठीक है जी, ये उधार लेन देन नहीं है, उधार लेन देन में तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये बेसिकली ये है कि आपने पेमेंट कर दिया और आपको बाद में पैसा मिलेगा। व्यवसायिक मंदी, मंदी तो मंदी होती है, मंदी से निपटने के लिए केंजियन सिद्धांत विशेष रूप से किस नीति को अपनाने पर बल देता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि केंजियन अर्थशास्त्र, देखिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें बेसिकली हमने जितने भी अर्थशास्त्री उनके विचार बताए हैं। तो बेसिक विचार आप याद रखिएगा कि जब तक अर्थव्यवस्था में मंदी होगी उस स्थिति में केंज के हिसाब से राजकोषीय नीति ज्यादा अच्छी है, जबकि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों नीतियों को अपनाने पर विरोध किया। तो अब क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 83 पर। 83 में कह रहा है कि सॉरी 84 पर कि किंज ने निम्नलिखित में से किसे अच्छा नहीं माना। अरे भैया किंज का पूरा सिद्धांत रोजगार सिद्धांत है, तो जब रोजगार सिद्धांत है तो वो बेरोजगारी को अच्छा नहीं मानेंगे, यानी कि इस स्थिति में उन्होंने बेरोजगारी को कभी भी अच्छा नहीं माना।
तो 84 का जो आप आंसर लिखोगे वो लिखोगे बी डी सॉरी 84 का डी। 85 पे आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 85 कह रहा है कि यदि आय में 5000 करोड़ की वृद्धि से बचत में 500 करोड़ की वृद्धि होती है। देखिए मैं आपको यहां पे करके दिखा देता हूं, आय में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है 5000 करोड़, और जो बचत में वृद्धि हो रही है वो हो रही है 500। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है मेरे आंसर सॉल्व करने से पहले ही। तो आपका एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, जो कि 0.1 आ जाएगा, 500 को 5000 से डिवाइड करेंगे। और एमपीसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एमपीएस, तो 1 में से अगर आप माइनस करोगे 0.1 तो इसका आंसर 0.9 या 90% आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो बैठेगा आपका सी, यानी 85 का आप आंसर लिखोगे सी। तो इस तरीके से आपका 85 का आंसर सी आएगा। 86 क्वेश्चन कह रहे हैं द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इस किताब को लिखने वाले थे कीन्ज, इन्होंने किताब लिखी थी 1936 में। इसका आंसर आपको नॉर्मली याद रहना चाहिए। अगला है कि रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है। देखिए अगर हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की बात करें तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की मान्यता थी कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है, सरकार के हस्तक्षेप की कमी रहती है और पूर्ण प्रतियोगिता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाएगा तो इसका जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा वो है उपयुक्त सभी, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं वो इन्हीं चारों मान्यताओं पर आधारित रहे हैं। इसके अलावा वास्तविक समग्र मांग एवं वांछित समग्र मांग के बीच, वास्तविक समग्र मांग एवं वांछित समग्र मांग के बीच के आधिक्य को क्या कहते हैं। देखिए मैं आपको समझा देता हूं इसके बारे में। ये मान लीजिए हमारा है एग्रीगेट सप्लाई और ये एग्रीगेट डिमांड है, ये आपका वास्तविक है, वास्तविक है, ठीक है जी। अब यहां पे आपका मान लीजिए कोई स्थिति है, यहां पे आपका पूर्ण रोजगार है, ये पूर्ण रोजगार है। तो पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए आपको इतनी एग्रीगेट डिमांड की आवश्यकता थी, ये वांछित है, यानी कि आपकी वांछित ज्यादा है, डिजायर ज्यादा है, वास्तव में कम है, तो ये आपकी मंदी हो गई, यानी कि ये कहलाएगा आपका अविस्फीतिक अंतराल। और अगर मान लीजिए पूर्ण रोजगार हम इस तरफ ले लेते हैं, ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है और यहां पे पूर्ण रोजगार है, यानी कि ये आपकी वास्तविक है और ये वाला आपकी वांछित है, यानी कि पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए जितनी एग्रीगेट डिमांड चाहिए वास्तव में उससे आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे आपका स्फीतिक अंतराल। यानी कि वास्तविक मांग ज्यादा है तो स्फीतिक अंतराल हो गया, वास्तविक मांग कम है तो अविस्फीतिक अंतराल हो गया। तो वास्तविक समग्र मांग वांछित समग्र मांग से अधिक है, आधिक्य है, यानी कि वास्तविक ज्यादा की वजह से आपका पैदा होगा स्फीतिक अंतराल, तो इसको बोलेंगे सी, यानी कि 88 का आपको आंसर लिखना है सी। तो इस स्थिति में जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा स्फीतिक अंतराल। 89 पे आ जाते हैं, 89 लिख रहा है कि रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहां पे कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि क्लासिकल सिद्धांत में, क्लासिकल का जो रोजगार सिद्धांत है उसके हिसाब से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। मैं आपको बता देता हूं एक एक करके। देखिए सबसे पहला कह रहा है कि क्लासिकल सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर चलता है, बिल्कुल सही बात है, पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। पूर्ण रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत एक ऐसी स्थिति है जहां अनैच्छिक बेरोजगारी विद्यमान होती है, बिल्कुल ठीक बात है। पूर्ण रोजगार का मतलब सभी लोगों को काम तो मिलेगा नहीं, कुछ बेरोजगार तो रहेंगी, अनैच्छिक बेरोजगारी तो उपस्थित हो सकती, सॉरी ऐच्छिक बेरोजगारी तो हो सकती है, अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं हो सकती है, ये वाला गलत है। तो पूर्ण रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत एक ऐसी स्थिति की जहां अनैच्छिक बेरोजगारी विद्यमान है, अनैच्छिक बेरोजगारी विद्यमान नहीं हो सकती है पूर्ण रोजगार में। इसके अलावा पूर्ण रोजगार का क्लासिकल संस्करण मौसमी बेरोजगारी और संघर्षात्मक बेरोजगारी से संगत है, क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति में
हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पूर्ण रोजगार बाजार की उस अवस्था पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की उस दशा को दिखाता है जहां पर सभी लोगों को काम मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग प्राकृतिक रूप से बेरोजगार रह सकते हैं जो कि संगठनात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी का एक रूप है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये सही है। और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी स्तर को घटाने के लिए मजदूरी में कटौती की वकालत की, बिल्कुल सही बात है, जो कि पीगू का सिद्धांत कहता है। पीगू का सिद्धांत कहता है कि अगर आपको मजदूरी में कमी करनी है, रोजगार के स्तर को बढ़ाना है, तो मजदूरी में कमी करके रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। जो श्रमिक है वो रोजगार में कटौती के लिए स्वीकार कर लेगा। तो 1, 3 और 4 जिसके अंदर हो, 1, 3 और 4, तो सी इसका सबसे सटीक आंसर बैठेगा। यानी कि 89 का आपको आंसर अगर लिखना है तो सी आंसर आप लिख सकते हो। 90 पे आ जाते दोस्तों। 90 कह रहा है कि कींज के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की स्थिति में सामूहिक पूर्ति वक्र कैसा होता है। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, डायग्राम हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आपको कींज का रोजगार सिद्धांत बनाना है तो यहां पे हम लेते पूर्ण रोजगार, मान लीजिए यहां पे लिया पूर्ण रोजगार, तो जो सामूहिक पूर्ति है वो बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, लेकिन एक बार अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार तक पहुंच गई तो वो बिल्कुल इस तरीके से खड़ी हो जाएगी। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगा। तो इस स्थिति में हमारा एग्रीगेट सप्लाई किस तरीके का होगा पूर्ण रोजगार की स्थिति में? क्षैतिज इस तरीके का नहीं जी, अनुलंब इस तरीके का। तो ये बिल्कुल सटीक आंसर है बी, यानी कि इस स्थिति में हमारा जो आंसर बैठेगा वो होगा अनुलंब, वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में एग्रीगेट सप्लाई कर किस तरीके का होता है दोस्तों? वर्टिकल एक्सिस में बन जाता है। 91 पे आ जाते हैं। 91 कह रहा है हाउ टू पे फॉर वार। हाउ टू पे फॉर वार किताब जो है वो 1956 में कींज के द्वारा लिखी गई, और इस किताब में ही उन्होंने स्फीतिक अंतराल और अविस्फीतिक अंतराल के कंसेप्ट को लेकर आए। तो इस किताब के जो लेखक हैं वो है कींज, जो कि आपका 91 का सी आंसर आपका बैठता है। 92 कह रहा है कींज के रोजगार सिद्धांत में मंदी से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए अंतिम उपाय क्या है। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में जब मंदी होती है तो उनके हिसाब से जो सामूहिक मांग होती है, एग्रीगेट डिमांड, वो होती है सी प्लस आई प्लस जी। तो उनके हिसाब से अगर आप उपभोग को बढ़ा सकते हो किसी तरीके से, निवेश को बढ़ा सकते हो किसी तरीके से, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकते हो किसी तरीके से, तो आपका सामूहिक मांग का स्तर बढ़ जाएगा, और सामूहिक मांग के स्तर बढ़ने से आपकी मंदी की समस्या दूर हो जाएगी। यानी कि मंदी की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने विशेष रूप से सरकारी उपाय अपनाए, लेकिन उनका जो फोकस रहा है वो सभी पे रहा है, यानी कि सभी के द्वारा आप अर्थव्यवस्था में मंदी को दूर कर सकते हो। यानी कि इसका जो आंसर बैठेगा वो बैठेगा 92 का डी। तो दोस्तों इस वाली पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारी एप्लीकेशन के फ्री कॉलम में, मतलब फ्री स्टडी मटेरियल का कॉलम है, वहां जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगला कह रहा है ट्रीटिज ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस पुस्तक के लिखने वाले का नाम क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जेबीसी का जो बाजार नियम है उसके बारे में जो विवेचना जेबीसी ने की है वो इसी में की है, जिसको बोलते हैं ट्रीजर ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इस किताब के जो लेखक हैं वो कहलाएंगे 93 का बी, यानी कि 93 का बी का मतलब इसके जो आंसर है, सॉरी जेबीसी ने किया तो इसके अंदर तो किसी का आंसर है नहीं, तो 90 का डी, क्योंकि जेबीसी इसके अंदर है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 93 का जो आंसर बैठेगा वो बैठेगा डी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 94 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कींज की आय और रोजगार सिद्धांत की मान्यता नहीं है। कींज का रोजगार सिद्धांत की मान्यता क्या नहीं है वो हमें डिस्कस करना है। तो कींज का रोजगार सिद्धांत अल्पकाल है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कींज ने स्वयं यह स्वीकार किया कि कोई भी सिद्धांत अल्पकाल के लिए ही बनाना चाहिए, दीर्घकाल में तो हम सब लोग मर जाएंगे, तो उनका जो सिद्धांत है वो अल्पकालीन सिद्धांत है। दूसरा कींज का सिद्धांत बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कींज का जो सिद्धांत है उसमें एग्रीगेट डिमांड को हमने बताया इस तरीके से माना गया है सी प्लस आई प्लस जी। तो उन्होंने कहीं पे भी बात नहीं की है एनएक्स की, नेट एक्सपोर्ट की बात नहीं की है, तो उनका बंद अर्थव्यवस्था का है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी उपस्थित होती है, यही मानना था, क्योंकि परंपरावादी अर्थशास्त्री मानते थे कि अर्थव्यवस्था में कभी भी बेरोजगारी नहीं होती, अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार के स्तर पर होती है, लेकिन कींज का यह मानना था कि अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है। इसके अलावा
सॉरी किंज का ये मानना था अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है, तो ये अपूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, यानी कि इसमें से कौन सी मान्यता नहीं है, ये वाली मान्यता नहीं है। किंज का सिद्धांत अपूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये वाला जो आंसर है 94 का वो बैठेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 95 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक से का बाजार नियम की मान्यता नहीं है। तो दोस्तों से का बाजार नियम की मान्यता में हम आपको बता देते हैं कि से के बाजार नियम ने पूर्ण प्रतियोगिता को माना, इसके अलावा दीर्घकाल को माना, संग्रहण का अभाव है इस तरीके का माना, क्योंकि उनके हिसाब से केवल मुद्रा जो है उसका काम विनिमय का माध्यम है, संग्रहण करना नहीं है। लेकिन वो बंद अर्थव्यवस्था मॉडल है, खुली अर्थव्यवस्था मॉडल नहीं है। इसका मतलब ये जो आंसर है बी, वो बिल्कुल बी गलत आंसर है। इसका मतलब ये मान्यता उसकी नहीं थी। तो 95 का बी आंसर लिख सकते हो। 96 की बात करें तो शास्त्रीय अर्थशास्त्र के अनुसार वेतन के बराबर क्या होता है। देखिए 96 जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे उनका यह मानना था कि श्रमिकों को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी दी जाती है, यानी कि एक श्रम को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी दी जाएगी। यही जो थ्योरी है ये बाद में डेवलप करके जो वितरण का सिद्धांत बनाया गया था न्यू क्लासिकल के द्वारा, तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये भी है कि जो मजदूरी दी जाएगी वो सीमांत उत्पादकता के बराबर होगी, और ये भी देखा जाता है कि जो मजदूरी होती है वो निर्वहन स्तर के बराबर होती है। तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, लेकिन अगर मुझे चुनना हुआ तो मैं सी चुनूंगा कि भाई श्रमिकों को मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर दी जाती है। ऐसा ही हमने डायग्राम के थ्रू बताया भी है। अब यहां पे क्वेश्चन कब से पूछा गया है, इसमें आपको बचत दी हुई है -20 + 0.4y और आई दिया हुआ है 20 + 0.4y। इस स्थिति में आपको बताना है कि उपभोग का स्तर कितना होगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूं इस तरीके क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर वन आपको पता होना चाहिए संतुलन की स्थिति में बचत और निवेश बराबर बराबर होते हैं। तो बचत की वैल्यू है -20 + 0.4y और आई की वैल्यू हम लिख देते हैं 20 + 0.2y। अब जब इसको इस तरफ ले जाओ तो ये बचेगा 0.4y - 0.2y इक्वल टू 20 + 20, यानी कि ये होगा आपका 0.2y इक्वल टू 40। सो y की जो वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 400 / 2, यानी कि 200। तो जब आपकी y की वैल्यू आ चुकी है तो इसकी जगह आप क्या करो, y की जगह आप वैल्यू पुट कर दो y की 200। तो ये जो बचेगा ये बचेगा 60, क्योंकि ये 80 बचेगा प्लस माइनस 20, तो ये 60 आएगा। और हम जानते हैं कि कंजम्पशन होता है वो y माइनस c होता s होता है, तो y की वैल्यू हमारी 200 आ चुकी है, सेविंग की वैल्यू 60 आ चुकी है, तो कंजम्पशन की वैल्यू 140 आएगी। इस तरीके से आप अपने कंजम्पशन की वैल्यू निकाल सकते हो। इसका मतलब 97 का जो आपको आंसर लिखना है वो 97 का ए आपको आंसर लिखना है। 98 की बात करें दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित फलनों में से किसका परिणाम एक होगा, परिणाम गुणक का परिणाम 4 होगा। देखिए मैं आपको गुणक का फार्मूला बता देता हूं। गुणक का फार्मूला है K = 1/(1 - MPC) और K = 1/FES। तो अगर ये सी में हो तो ये एमपीसी है, और अगर ये सी में है तो ये एमपीसी है, ये वाला एमपीएस है क्योंकि ये एस के फंक्शन में है, ये नहीं है, तो ये तो पहले कैंसिल कर लो। अब हम क्या करते हैं, एक बार 0.25 रखते हैं तो ऐसे लिखेंगे क्योंकि एमपीसी है, तो इसका आंसर तो 4 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अगर हम 0.75 रख दें 1/(1 - 0.75) तो ये बचेगा 25, तो ये 4 आएगा, इसका मतलब ये तो सही है। इसी तरीके से अगर हम सीधा 0.25 रख दें जो कि एमपीएस की वैल्यू है तो भी ये 4 आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि 98 का जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा वो बैठेगा बी और सी। बी और सी का मतलब आपका ऑप्शन चुनना है सी। 99 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें कह रहा है कि अतिगुणक सुपर मल्टीप्लायर, देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है
कि सुपर मल्टीप्लायर का मतलब, मल्टीप्लायर तो आप जानते ही हो, जब गुणक यानी कि मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर त्वरक एक साथ क्रिया करते हैं तो जो एक साथ क्रिया करने से जो बनता है वो बनता है महागुणक, सुपर मल्टीप्लायर। दोस्तों सुपर मल्टीप्लायर के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध होगी। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसका जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा वो बैठेगा गुणक और त्वरक की अंतर क्रिया। तो इसके लिए देखिए डिटेल आपको समझने के लिए आपको कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझना ही पड़ेगा। जब तक आप पूरी तरीके से कंसेप्ट समझना चाहें तो इसके लिए जरूरी है कि पहले आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एमपीसी 0.5 है और वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर आपकी क्या होगी, यानी कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक की वैल्यू 2 होगी। फार्मूला हम ऑलरेडी बता चुके हैं 1/(1 - MPC). तो जब एक को में से माइनस करोगे 0.5 तो 0.5 बचेगा, यानी कि एक को 0.5 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब आपको 100 का सी आंसर लिखना है। तो दोस्तों ये इसके सॉल्व आंसर है जो कि हमने ऑलरेडी आपको लिखे हुए हैं, और हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको वहीं से लिंक से ही आपको ये वीडियो डाउनलोड करनी पड़ेगी, और हमारी वेबसाइट mahavidyaeconomicsschool.com के माध्यम से आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अच्छा ये रहेगा कि आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और जो वीडियो जो क्वेश्चंस में आपको डाउट है वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, मैं आपको दोबारा से डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।